आय हाय हाय। अभी लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं चलाने वाला हूँ जीनो, से कोई आइडिया नहीं मैं से चलेगी या नहीं चलेगी। भाई साहब, भाई साहब क्या मजा आ रहा है यार। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल चाल आप सबके? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज का व्लॉग कुछ स्पेशल होने वाला है, मेरे लिए स्पेशल होने वाला है, बिकॉज आज हमारे साथ एक सुपर बाइक ज्वाइन हो रही है व्लॉग में। आप सबको टाइटल एंड थंबनेल देख के तो पता चल ही गया होगा कौन सी बाइक है। मैं बता देता हूँ, कावासाकी Z900 मैं एक्चुअली मेरा कज़न लेके आया अभी, एंड वो मेरे को दिखाने लाया था घर पे, तो उसकी एक राइड तो ले ली मैंने, मतलब पीछे बैठा था। बहुत डरावना एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए, बिकॉज बहुत पावरफुल बाइक है यार, कंट्रोल में नहीं आएगी वो ऐसे कोई भी नॉर्मल चलाएगा। तो आज के व्लॉग उसके साथ बनाते हैं, आपको दिखाते हैं, कुछ सिनेमैटिक्स भी डालेंगे एंड उसका एग्जॉस्ट नोट भी सुनाएंगे। तो बाहर बहुत ही कड़क धूप निकली, मैं तो टी शर्ट्स में आ गया हूँ, एंड निकलते हैं व्लॉग बनाते हैं, एंड आज का देखते हैं कैसा बनता है सारा सा व्लॉग, बिकॉज एक सुपर बाइक साथ में है तो मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है आज, काफ़ी मैं एक्साइटेड हूँ। देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस, अगर चलाने को भी मिल जाएगी तो और बढ़िया हो जाएगा। तो चलते हैं, आपको ज़्यादा वेट नहीं करवाऊँगा एंड सीधा आपको मिलता हूँ बाइक पर। ओके बाय, एंड चैनल सब्सक्राइब कर दो भाई लोग, 500 के हम बहुत करीब हैं, कर लो बिना करे मत जाना प्लीज, एंड वीडियो पूरी देखना स्टार्ट से एंड तक पूरी देखना, एंड बताना मुझे कैसा लगा। ओके बाय गाइस, हम निकल गए हैं घर से, और देखो आगे आप लोगों को दिख रही है Z900 जा रही है, जो आवाज़ सुनो इसकी। बस अभी एग्जॉस्ट वगैरह लेके रखा हुआ है बट फिटिंग नहीं करवाई हुई, बाकी थोड़ी मोर एक्सेसरीज वगैरह लगवाई हुई हैं। ये देखो आप, आए हाय हाय, भाई साहब अब आज सुनो भाई, इसकी निकलती है ना कान में करके, बहुत पावर है बाइक में यार। अभी हम जा रहे हैं, देखते हैं कोई, देखो बच्चे कैसे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं इसको। आए हाय हाय, लोग पलट पलट के जो देखते हैं ना इस बाइक को, मैं खुद देख रहा हूँ। तो अब निकलेगा तेज आके सुनना, एंड ये गाड़ी देखो MG Hector का जो शोरूम तोड़ दिया पूरा। अभी यहाँ पे कुछ दिन पहले यहाँ पे बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा था, स्टोन पेल्टिंग भी हुई थी यहाँ पर, ये मस्जिद के अपोजिट में MG Hector का शोरूम। एंड बाइक्स में ना हीट बड़ी ज़्यादा आती है बाहर ना, इंजन वगैरह से लेग्स में पूरी हीट आती है, तो सर्दियों में तो मज़ा आता है चलाने में, बट ऑन द अदर साइड अगर गर्मियों में चलाओगे तो आपका रोस हो जाएगा। गाइज़ मेरी बाइक पे हम इस टाइम दो बंदे बैठे हैं, 80 kg ईच, मतलब 160 kg बैठे हुए हैं, और मैं खींच नहीं पा रहा हूँ अपनी बाइक की। एंड उस बाइक में एक गियर डाउन करना है एंड बंदा गायब। तो हम तो आज स्लो चलाएंगे, बिकॉज घर पे प्रॉमिस करके आए हैं हम कि आहिस्ता जाएंगे, वरना ऐसे परमिशन नहीं मिल रही थी, सो आहिस्ता जाएंगे आहिस्ता आएंगे। ये लगी हमारी Z900 यहाँ पर, वहाँ पे अपनी बाइक लगी हुई है, आप लोग लुक देख सकते हो कैसी बाइक की। एंड ये भैया हमारे ओनर, मतलब मेरा कज़न है। लुक देखो यार आप बाइक की, ऐसे आपको यूजली ग्रे और ग्रीन कलर दिखता है, बट ये स्पेशल एडिशन है, तो ये रेड एंड ग्रे एंड ब्लैक में आता है। ये हमारे भैया, भैया फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्ग्रेट्स, थैंक यू फॉर द न्यू बाइक। तो कब का रजिस्ट्रेशन है, कब की बाइक है ये? ये मैंने जन में निकाली है, जन स्टार्टिंग में। अच्छा, फर्स्ट वीक ऑफ जन। अच्छा, भैया ने एग्जॉस्ट का मैचिंग हेलमेट लिया हुआ है, बहुत प्यारा लग रहा है। तो आप लोग देख सकते हो भैया ने यहाँ पे हेडलाइट फ्रेशर्स लगाए हुए हैं, आगे फोक प्रोटेक्टर्स लगाए हैं RNG के, फिर रेडिएटर ग्रिल्स लगाई है, वॉक की फ्रेम स्लाइडर्स लगाए हुए हैं, एंड एग्जॉस्ट भी लगाया है, एरो का लेके रखा हुआ है घर पे, बट अभी फिटिंग नहीं की है भैया ने, उसकी फिटिंग बाद में करवाएंगे। तो आप लोग देख सकते हो लुक कैसी है। भैया ओनरशिप रिव्यू देना चाहेंगे आप? वेल मैंने तो फिलहाल अपने शॉप ले ली थी ये। अच्छा, ठीक है, जब रोड पे हाईवे पे निकलो तो आपको फील होता है कि यू आर राइडिंग समथिंग। मैं देख रहा था लोग पलट पलट के देख रहे थे बाइक को, चेकआउट कर रहे थे,
ये चीज ही ऐसी यार, मेरी बाइक को देख के एंड इसको देख के बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस है। स्पेशली इसका जो आगे से ये लुक है, ये जो DRLs आते हैं, ये आगे से एलिफेंट टीथ्स हैं, तो बहुत प्यारा लुक आता है। मैं आपको आगे से दिखाता हूँ, देखते हो आप कितना प्यारा लुक आता है, वही जैसे बीच लगता है उस टाइप का लुक है। बाकी आप इसका स्पीडोमीटर देख सकते हो, भैया ने ज़्यादा नहीं चलाई अभी अभी 1358 विद इन अ मंथ चला लिया भैया ने। एंड ये भी मोबाइल होल्डर लगाया हुआ रैम का, एंड बहुत प्यारी बाइक लगती है यार। टेल टाइडी भी लगाई RNG की भैया ने, सो देख लो गाइस आप लोग Kawasaki Z900। ये टैंक पे ये भी लगाया है फिल्टर, ये यहाँ पे एक ब्रिज के साथ टैंक लॉक है, ये फिट होता है यहाँ पे। आप लगेज अपना जो राइडिंग पे जा रहे हो, कहीं लगेज सामान वगैरह रखना है वो रख सकते हो, तो बहुत प्यारी बाइक है यार। तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा फोटो शूट एंड रील्स वगैरह बना लेते हैं, यहाँ थोड़े लड़के वगैरह आ गए हैं देखने के लिए। A little longer than a few minutes later. वो तो निकल गया भाई अब। तो गाइस अभी मैं चलाने वाला हूँ Z900 एंड जिक्सर मैंने दे दी कज़न को। अभी लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं चलाने वाला हूँ Z900, कोई आइडिया नहीं मैं से चलेगी या नहीं चलेगी, तो देखते हैं। एंड कज़न मेरा फर्स्ट टाइम जिक्सर चला रहा है एंड मैं फर्स्ट टाइम Z900। चलो गाइस, फर्स्ट टाइम जिंदगी में। भाई साहब क्या बाइक है भाई, मैं तेज नहीं चलाऊंगा यार, बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ, ऐसे किसी और की बाइक है तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने सिर पे। तो और ऊपर से अभी रेन मोड पे है, मतलब पावर लेस है, मैंने ग्लव्स भी नहीं पहने हुए। भाई साहब अलग ही एक्सपीरियंस है, तबाही एक्सपीरियंस है इसमें। गाइस देखो, लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं सुपर बाइक चला रहा हूँ एंड जो मेरा एक्सपीरियंस आ रहा है ना, मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता कि मेरा कैसा आ रहा है एक्सपीरियंस। एंड पीछे कदन मेरी वीडियोस बना रहा है, रील्स, मैंने ग्लव्स नहीं पहने, मेरे को ग्लव्स पहन लेने चाहिए थे। बहुत पावरफुल बाइक है यार, इसकी ब्रेकिंग इतनी बोलना नहीं चाहिए, बट बहुत ऑसम भाई। अच्छा टिप्पर कैसे बचता भाई, एंड हम खुद ही नीचे साइड से ना, नीचे गली से आए हैं, मतलब मेन ऊपर फ्लाईओवर से नहीं आए, बिकॉज वो काफ़ी ओपन एरिया ना, तो वहाँ पे फिर स्पीडिंग करने का दिल करता है, तो यहाँ से जान के आए इसलिए, ताकि ज़्यादा स्पीड में ना जाएं हम। तो बहुत प्यारी बाइक है यार, बट अपनी बाइक होती ज़रूर खींचता, बट किसी और की बाइक है सब मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। आवाज़ सुनो, इतनी स्मूथ आवाज़ है ना इस बाइक की यार, मज़ा आ गया सीरियसली बोलो, बिल्कुल स्मूथ चलती है यार, बहुत प्यारी बाइक है। भाई साहब क्या मज़ा आ रहा है यार, ओ भाई यार डबल डेकर इसको कौन देख रहा है। फिलहाल तो मैं किसी पे जाऊंगा यार, मज़ा आ गया कसम से। बेशक चलो थोड़ी सी चलाई बट बहुत मज़ा आया, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था यार Z900, मैंने ज़्यादा स्पीडिंग करी भी नहीं, बिकॉज यार ऑब्वियसली किसी और की प्रॉपर्टी है, सो मैं नहीं चाहता ऐसे वैसे कुछ हो जाए मेरे से सीन। तो यहाँ रोकते हैं, तो गाइस आगे जा रहा राजा जी सी,
पीछे राजा जी से करा था, मैंने उसको ओवरटेक कर दिया माई गो डाल में, बिकॉज मेरी बाइक मेरी तो है नहीं, मैं डाल मार रहा हूँ बस। भाई लोग जो पावर है ना, जो एयर ड्रैग आता है ना ऐसे खींच, मतलब मैं क्या समझाऊं कैसे, मेरे को वो समझ नहीं आ रहा। मजा आया ओ भाई, तबाही भाई का यार, ओ भाई तबाही भाई का यार, ये मजा आ गया। कहाँ लगाऊं, जहां तू बोलेगा वहां लगाऊंगा अपनी अपनी रिस्क यार। धक्का दे भाई साहब, दे देखो बाइक, ये है जीन ओसो जो मैंने आज लाइफ में फर्स्ट टाइम चलाई है गाइस। मैं वर्ड्स में नहीं डिस्क्राइब कर सकता, बट जो मेरा एक्सपीरियंस रहा ना, नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस था, बिकॉज 150cc से मैं सीधा 948cc की मैंने बाइक चलाई है। तो मैंने बेशक स्लो स्लो चलाई यार, बिकॉज किसी और की प्रॉपर्टी है, सो मैं कोई डैमेज नहीं करना चाहता। तो यार मैं क्या बया करूँ, थैंक यू भैया सो मच, आपने हमें मौका दिया सुपर बाइक चलाने का। भैया बहुत अच्छे हैं, भैया को भी सब्सक्राइब करना, भैया का चैनल बनने वाला है, भैया भी अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हैं, तो देखेंगे। वैसे वैसे तो हमने सिर्फ शौक ले लिया, अगर मन किया तो चलेंगे। भैया को कन्विंस करेंगे, हम चैनल बनाओ, फिर हम साथ में राइड करेंगे। हमने अपनी रिक्शा वहाँ लगाई है एंड यहाँ पे जीनो सो, अब मिलते हैं आपको बाद, यहाँ पे थोड़ा जूस वूस पी लेते हैं। एंड गाइस कमेंट में बताओ कि आपको व्लॉग कैसा लगा आज का, आज का व्लॉग जीनो सो पे आया हमारा। एंड किसी दिन और टाइम मिला तो पब्लिक रिएक्शंस भी निकालेंगे, आज तो फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ गई बाइक। बट चलो अब आगे भी देखते हैं और व्लॉग्स बनेंगे हमारे। तो गाइज ये था हमारा आज का जीनो सो पे व्लॉग, अगर आपको और ऐसे व्लॉग्स चाहिए जीनो सो के साथ तो प्लीज़ कमेंट में बताओ। एंड मैं अब यहीं पे व्लॉग ख़त्म कर रहा हूँ, बिकॉज हमको यहाँ से कहीं और जाना है, कॉल आ रहा है घर से, तो फटाफट हमें निकलना है यहाँ से। तो दैट्स इट, आई विल रैप दिस व्लॉग हियर। जीनो सो के लिए एक लाइक कर लो यार, एंड जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज ऐसे व्लॉग्स और आते रहेंगे, बहुत बढ़िया से व्लॉग लाएंगे। तब तक के लिए आप देख रहे हैं जतन सिंह, आई एम साइनिंग ऑफ हियर, बाय बाय एंड टेक केयर।